कैबल नीलिंग क्रंचेस पूरे एब्डोमिनल मसल के लिए काफी अच्छी एक्सरसाइज है। इससे पेट का सामने वाला पार्ट और एब्डोमिनल मसल यानी कि पेट का साइड पार्ट टारगेट होता है। इसे परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले इसके सही फॉर्म के बारे में जानना काफी जरूरी है। तो सबसे पहले कैबल मशीन से थोड़ी दूरी पर अपने घुटनों को टेक कर मशीन की ओर फेस करके बैठ जाए। रोप कैबल को मशीन के ऊपरे लॉक पर अटैच करके दोनों हाथों से कैबल को पकड़ ले। अपने बैक को सीधा और कोर मसल को इंगेज रखे। फिर अपने आप को आगे की ओर झुकाते हुए सांस को छोड़े और अपनी कोहनी को अपने घुटनों की ओर लेकर आए तो 1 से 2 सेकंड होल्ड करें। एब्डोमिनल मसल को स्क्वीज करें। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने आप को शुरुआती पोजीशन में लेकर आए। सही फॉर्म के लिए आप अपने जिम ट्रेनर की सलाह जरूर लें। इसके आप 4 सेट और 15 से 20 रिपीटेशन करें। हैंगिंग स्ट्रेट लेग रेजेस, इससे पेट का निचला हिस्सा यानी कि लोअर एब्डोमिनल मसल टारगेट होता है। इसे करने के लिए सबसे पहले अपने हाथों को शोल्डर की चौड़ाई के बराबर फैलाते हुए पुलअप्स बार से लटक जाए। बॉडी को स्टेबल और अपने पैरों को सीधा रख के लोअर एब्डोमिनल मसल को स्क्वीज करते हुए अपने पैरों को एक साथ तब तक ऊपर की ओर उठाएं जब तक कि आपका पैर ग्राउंड के पैरेलल ना हो जाए। फिर 1 से 2 सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे धीरे अपने पैरों को शुरुआती पोजीशन में लेकर आए। बिना बॉडी को झटका मारे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। यदि इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको मुश्किलें हो रही है तो आप इसकी जगह पर फ्लोर पर लेटकर लेग रेजेस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके आप 4 सेट और 20 से 25 रिपीटेशन करें और हर एक सेट के बाद 1 मिनट का रेस्ट जरूर लें। वी अब, इस एक्सरसाइज से रिक्टक एब्डोमिनल यानी कि पेट का सामने वाला हिस्सा टारगेट होता है। इसे परफॉर्म करने के लिए अपने पीठ के बल जमीन पर लेट जाए। अपने हाथ और पैरों को सीधा रख के जैसे कि वीडियो में दिखाया है कोर मसल को इंगेज रखते हुए जब भी आप अपने पैर और अपर बॉडी को एक साथ जमीन से ऊपर की ओर उठाएं तो अपने हाथों से पैरों की उंगलियों को छूने की कोशिश करें जिससे कि आपकी बॉडी में वी शेप का आकार बने। एब्डोमिनल मसल को स्क्वीज करें। फिर धीरे धीरे अपने आप को शुरुआती पोजिशन में लेकर आए। काफी अच्छी एक्सरसाइज है एब्डोमिनल मसल में अच्छी कटिंग बनाने के लिए। इसके भी आप 4 सेट और 20 से 25 रिपीटेशन करने की कोशिश करें। अल्टरनेटिंग हील टच, पेट के साइड फैट को तेजी से रिड्यूस करने के लिए सबसे आसान और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इससे ऑब्लिक मसल टारगेट होता है। वीडियो में दिखाए मुताबिक अपने घुटनों को मोड़कर पीठ के बल जमीन पर लेट जाए। अपने शोल्डर और अपर बैक को जमीन से हल्का सा ऊपर की ओर उठाते हुए अपने राइट हैंड को राइट साइड की हील की ओर लेकर आए तो 1 सेकंड होल्ड करें। ऑब्लिक मसल को स्क्वीज करें। फिर नियंत्रण के साथ शुरुआती पोजीशन में वापस आए। उसी तरह से लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड की हील की ओर लेकर जाए तो ऑब्लिक मसल को स्क्वीज करें। इसी फॉर्म के साथ आपको इसे बारी बारी से परफॉर्म करना है। काफी अच्छी एक्सरसाइज है। इसके आप 4 सेट और दोनों साइड से 25 से 30 रिपीटेशन करें। रशियन ट्विस्ट, इससे भी ऑब्लिक मसल टारगेट होता है। अपने घुटनों को बैंड और अपर बॉडी को जमीन से ऊपर उठाकर वीडियो में दिखाए मुताबिक बैठ जाए। ऑब्लिक मसल को टारगेट करने के लिए थोड़ा सा पीछे की ओर झुके। अपने हाथों को अपने चेस्ट के सामने एक साथ पकड़े या फिर दोनों हाथों से प्लेट या फिर डंबल को पकड़ ले। हाथ या प्लेट को हिप्स के क्लोज रखते हुए वीडियो में दिखाए मुताबिक अपनी बॉडी को राइट साइड की ओर घुमाएं तो ऑब्लिक मसल को स्क्वीज करें। फिर शुरुआती पोजीशन में लौट आए। इसी तरह से आपको अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड की ओर भी घुमाना है। इस पूरे मोमेंटम के दौरान कोर मसल को इंगेज और बैक को सीधा रख के और लगातार अल्टरनेटिंग साइड के साथ इस एक्सरसाइज के 4 सेट और 20 से 25 रिपीटेशन करें। प्लैंक होल्ड, इस रूटीन को फिनिशिंग करने के लिए काफी अच्छी एक्सरसाइज है। यह एक फुल बॉडी एक्सरसाइज है जिससे कोर मसल के साथ साथ कई और मसल टारगेट होते हैं। इसे करने के लिए वीडियो में दिखाए मुताबिक फ्लोर पर अपने बॉडी को सिर से एडी तक स्ट्रेट लाइन में पुशअप्स की पोजीशन में लेकर आए। अपने आप को फोरआर्म्स मसल के सपोर्ट पर कोहनी को सीधा और शोल्डर को नीचे की ओर झुकाते हुए लेकर आए। कोर मसल को इंगेज रखते हुए इसी पोजीशन में अपने आप को 45 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड करके रखें। इस पूरे मोमेंटम के दौरान आप अपनी बॉडी में स्ट्रेट लाइन को मेंटेन रखते हुए अपने हिप्स को अधिकतर ऊपर उठाने से बचें। इसी तरह से आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। इसके आप 4 सेट और जितना देर तक आप खुद को होल्ड कर पाते हैं उतनी देर तक आप होल्ड करके रखें।